Hola, quiero sí que a mi bunda. No sé mi charo, paro. अरे प्रकाश अरे अरे बाबा कौन है तोर ये प्रकाश अरे ठीक है उठो ना तार कौन है अच्छा तो मोदी जन को ना कौन भन छिड़ा हो मो पिला मा पता तला गेले रे हे ना आयुष्मान भूषण मन श्री सत्यनारायण सर्वसमन कलम कलम दहान करंतु 120 वर्ष परमादि उत्तर तर उन्नति करंतु विद्या बुद्धि प्रदान करंतु सर्वारिष्ट शांति करंतु रोग व्याधि कल्याण करंतु सर्व बोल आगम देखबार अच्छा तुम दिन को ना कौन धन दी जन जा कर पीयूष प्रियांश पीयूष आ प्रियांश को श्री मन श्री सत्यनारायण सर्वश्रवण काले लघु व्याधि खंडन करी ये सर्वार्थ शांति करंतु विद्या बुद्धि प्रदान करंतु 120 वर्ष परमादि उत्तरतर उन्नति करंतु सर्वे बोल आनंद एक बार अरे प्रकाश अरे तोर तो मुंड कौन है आ सी कौन तो मुंड हाथ मार देला तो मुंडा भल हो गला लक्षदंत मोर देहमंत पंडित वर्गे मोर गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय बापा ये दिन आईना अकिंचना कुनी झील गीतांजलि आज आपण मान निकट में चतुर्थ रजनी प्रथम सोपान पदार्पण करेछि तेणु मन अनेक आशा आकांक्षा बांधि जे आपण मान निकट में बापा किसी काव्य कविता कथा आलोचना करवा तेणु गोटा पद प्रमाण करती किए से ना आज्ञा किला जिला खोर्धा बहुजा रामेश्वर तही बांकनिधि गरीब दिजबर बार वर्ष दिन होइले बालाकार राम तारका मंत्र जपिले निरंतर पालपिए बांका पाला गाइबारे बेस्ट पवाथी अठर मारि जमी होता आशीष तेणु से ही बांकनिधि दासंकर गोटाए पद बापा लेखनी मनर निश्रत होता धाड़ीटे कथा आपण मानक निकट में मुप्रकाश कर ज्ञा रसी के विबुदे बसी विचार कर अच्छा रसिक कहले आम क्या बुझेबा से कहला रसिक शेखर चूड़ामणि मूर्ख रसी के बोलते मोर सम्मुखर बसी थिवा जन जन पंडित ज्ञानी विवेकी पुराण प्रेमी भगवत प्रेमी हरि प्रेमांशु मोर बापा माने विज्ञ पंडित मान बसी छंदी बे मोर रसी के
हे मोर पंडित माने आपण माने स्थिर चित्त रे बसी विचार करंतु ताले को कथा विचार करिवे कोल रघुवंश काव्य रस मध्य रे जारो कोल पुआ जते काव्य अछि काव्य मान को मध्य रे श्रेष्ठ वा सार काव्य होला रघुवंश महाकाव्य हो ताहले जदि रघुवंश महाकाव्य आलोचना करबा पाई जिबा ताहले प्रथमे मो पो बांकन दे दास लिखिले कोन लिखिले कहां को कथा को लिखिले हां कोले ये रो कोले बापा कहां को कथा लिखिले हां आ रमा सपतणी मोर संतति करो भोला रे संतति करो सपतणी बर संतति कर रमा बोलते तांकर सपतणी जाकी सौतणी सरपणी तांकर बर पुत्र रमा सपतणी बर संतति कर कालिदास लिखित संस्कृत मु रखि आगर कोले कालिदास आजि मो बापा माने ना ये बरपुत्र हेले सरस्वती तेणु से कालिदास आज रघुवंश काव्य कथा ये रचना करने अच्छा कहाँ कथा आलोचना करने जाऊा बापा ना पुनर्वार ता पद पद बापा कौन कहले कले ये रसारे दिलीप नामे भूप अरे रसारे रूप दिलीप नामे भूप रसारे सार रूप दिलीप नामे भूप रसारे दिलीप नामे भूप रसनारे रोटिले बुड़ना सोबा तो रसनारे रोटिले बुड़ना कोले रसारे सार रूप रसा बोलते बापा ये विश्वरे सार जी आज्ञा श्रेष्ठ किए ना दिलीप नामे भूप भूप बोलते बापा माने राजा नाम जहां करो आज्ञा दिलीप रसारे सार रूप दिलीप नामे भूप रसनारे रटिले गुण नाश पातक मो बापा रसना कहला आज्ञा जिह्वा रसनारे रटिले ये जिह्वा जदि से राजा दिलीप कथा गोटाए थर आज्ञा रटन कर सीए रसनारे रटिले गुण नाश पातक ये शरीर मध्य जेते पाप अच्छी जदि से राजा दिलीप कथा ये कर्ण रिके शुणा ये जिह्वा गोटाए थर रटन कर पाप गुड़ा को आज्ञा सब धौत हाँ हाँ कथा राजा दिलीप कथा आलोचना करवा प्रथमतः देखा कालिदास कौन कहते कहले कले बहिला रघुवंश महाकाव्य काव्य कर्ता कालिदास कहले पका फाउंडेशन मूल बा कहले बो हां कले ये बा गोर था बिव समुगत हो था पति पुत होए ये भगत हो पितर वंदे ये पार्वती परमेश्वर हो कौन आज्ञा सुविधा रघुवंश महाकाव्य नंबर श्लोक महाकवि कालिदास आज्ञा रचना कले रचना कले कौन कहले बागर था संपुक्त बागर था प्रतिपुत ये जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वर आज्ञा बागर था विव संपुक्त बागर था प्रतिपुत ये जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वर ये जगत को पूजा अर्चना करती पार्वती परमेश्वर पार्वती पति हेले
अकर्मरे कर्मदानी सदाशिव जगाधिरुड़ पुरुष पर से शंकर भगवान तेणु कालिदास सर्वप्रथमतः ये रघुवंश काव्य को जितेबले लिखापी गले बापा से प्रथम आज्ञा प्रार्थना कले पूजा अर्चना कले क्या ना आज्ञा देवदेव महादेव शंकर भगवान आ पार्वती को पूजा अर्चना कले बोले ये जगत जहाँ को माता और पिता हिसाब से पूजा करती से जगतर माता पार्वती तांकर परम ईश्वर हेले शंकर भगवान पद को वंदना करी ये मूर्ख कालिदास लेखिबापाई जाउछि ताहले कोन लेखिला ना से रघुवंश महाकाव्य काव्यकर्ता कालिदास आउ गुटा पद प्रमाण को लागि कोन कहले बोले कोह कोह सूर्य प्रभव वंश बापा ये कालिदास आज कौन कहले कहले कह कह सूर्य प्रभव वंश कह कह बोलते कहले कौठी सूर्य वंश आउ कौठी ये मूर्ख कालिदास कालिदास तेते स्रो दुस्तरंग महादुडु पेनाश्मी सागर बेश कहले बापा ये सागर रे जमी आज्ञा फेण कणिकाए भासी आसे तेणु मोर कहार कथा ना आपण मैंने जदि समस्ते जड़े जड़े ज्ञानी विज्ञ पंडित पुराण प्रेमी भगवत प्रेमी हरिपिपांशु तेणु कालिदास विचार कले ना ये सगर मध्य ये मूर्ख कालिदास गोटाए फेण सदृश हाँ तेणु मधन ना ताहले कालिदास कहता कहले कौ कथा कहले हाँ ना राजा दिलीप कथा शुणा ताहले प्रथम जानवा स्थान काल पात्र या हूँ बापा विषय वस्तु मध्यम जमी ना आज स्थान है कौन ना ये नाहलपुर ग्राम बादपाला मंच ना कि बापा जगह काल वर्तमान रात्र समय पात्र जी मो बापा मैंने ये अनुष्ठान कर्मकर्ता उद्योगकर्ता से राजा दिलीप शुणा राज्य कौठी प्रथम जानवा पु कवि पु कवि ना कवि नंद किशोर बल गोटा पद प्रमाण कर ना बापा राज्य कौटी आम जानवा प्रथम देखा देखा बोले ये सरजुत अजो ध्यान गहरी जे जे अजो ध्यान बैटरी दियो बोलो बापा सरजु तटिनी तटे अजो ध्यान गरी सरजु बोलते नदी कले तटिनी बोलते कूल सरजु तटिनी तटे अजोध्या नगरी सरजु नदी कूल राज्य टे शोभा पाउची जार सरजु नदी कूल अजोध्या नगरी टा अवस्थित बापा जानवा ना भौगोलिक नियम अनुजाई ना फौजाबाद जिलार ये सदर महकुम ठार पचीस माइल दूर बापा अजोध्या नगरी टा अवस्थित ना कि आज्ञा तेणु ये राज्य नाम होला अजोध्या ताहले प्रथम देखा से अजोध्या नगरी टा देखापी आज्ञा कि भाया सुंदरिया मोटा पद पुओ कवि कवि दीन कृष्ण दास बही पुओ रसगोल गोटाए पद पु देखा अनुप्रास अनुप्रास गोटाए पद प्रमाण कले कौन कहले पुओ
ना यो अयोध्या नगरीटा को भलिया सुंदरिया हे छी हे जी हां कले यो मूल्य तार गारो कल बाफा ना या अयोध्या नगरीटा देखा सुंदरिया कल अमूल्य तर आगार तुले गारी बाकुगार ना तीन एगार भुवन के प्रकाश मो धन अमूल्य बोलते आज्ञा मु कहली अमूल्य तर आगार ना खीरी रे जोटा पड़ुची अमूल पिला खाउछन डब्बा जहार मूल्य को कलना करी अमूल्य तर आगार आगार बोलते बापा मान कोठा घर चौद भुवन एमती पु कोठा घर ना जी मो बापा अयोध्या नगरी सहित सामान है दो परी दो महला कोठा घर ठार आरंभ कर सप्तपुर परी सात महला कोठा घर पर्यंत से राज्य अवस्थित तेणु मो बापा राज्य अयोध्या ये अयोध्या नगरी जो देखापी एत सुंदर अयोध्या नगरी राजा हेले बापा माने दिलीप दिलीप राजा आज्ञा देखापी को भाया रघुवंश महाकाव्य काव्यकर्ता कालिदास कहले कौन कहले कह कल बापा ओ सारिया रस को छाती राजा दिलीप को छाती टा मो बापा माने ओ सारिया थिला गोटाए वृष घर स्कंध देशटा जेमिति बलिष्ठ बा मांसाल थिला ये राजा दिलीपंकर स्कंध देश सेमिति आज्ञा बलिष्ठ बा मांसाल थिला शाल प्रांशुर महाभुज कालिदास कहले गोटाए शाल गछ देखेबा जाहा बापा राजा दिलीपंकु देखेबा ठीक सेया केमिति ना पु राजा दिलीप जदि निजे गोटाए शाल गछ हेले साल प्रंसर महाभुज राजांकर दुई बाहु दुई खंड डाल सदृश तेणु बापा राजा हेले दिलीप ताहले ये दिलीप राजा पु देखापी को भाया बलशाली थे नाकि आज्ञा तर बलटा आज्ञा को भाया ये आज्ञा आउ जन कपिकाणिया
कवि किए कवि अनंत भट्ट बही है चंपु महाभारत गोटा पद प्रमाण करचंड भुज दंड संदेह महाकर्ण कुंडलित कदंड प्रचंड भोलवा भुज दंड दुई बाहु राजा दिलीप दुई बाहु आज बलशाली केमी ना चंडी महाकर्ण कुंडलित कदंड राजा जेतेबेले धनुरे गुण दे ये धनुटा को आकर्ण पर्यंत टंकारे रखती आमर देवी माँ कान कुंडली जमी गोलाकार सुंदर शोभा पाए राजा हस्त धनुटा बापा कुंडली भली गोलाकार हो जाए हिंड मानन कांड खंडी तारी मुंड आ खंडल पमह राजा गोटाए थर जहाँ को आज्ञा स्वरबिद्ध करती गंडी रु मुंड आज्ञा खंड खंड अलग हो जाए द्वितीय थर स्वरबिद्ध करने को पड़े आ खंडल पमह बापा खंड कहले इंद्र इंद्र ठारे जी बल था ये राजा दिलीप आज्ञा से बल था गोटाए पद दीटा आज्ञा गला श्लोक गोटाए पद ओडिया पद बापा देखिए हाँ हाँ पदे ओडिया पदे श्लोक तापर देखा कौन हूँ कल यो मोर संगे समर कर अमर संगे समर करवा अमर बोलते बापल देवता समर कहले युद्ध देवता मान सहित युद्ध करार क्षमता जहाँ थिला सी आज्ञा राजा दिलीप न मरती शिशु तरुण से देशे जमर एड़ी डर से राज्य रु शिशु बोलते छोट छुआ तरुण बोलते बापल युवक युवती कहीं मरती जितेबाला जार आयुष सरे तथापि तो जमराजा एत भय करती राजा दिलीप को ये राजा दिलीप निकट को आसती आउ कहते हे महाभाग ये लोकर आयुष सरीगला आप आदेश दे सांगी तेणु बापा राज्य है अयोध्या राजा हेले पुह किए से ना दिलीप ताले राणी किए से रघुवंश महाकाव्य बापा काव्यकर्ता कालिदास कहले राणी पुह किए से हाँ कले शिवा दक्षिण रुढ़ नाम ना मगध वंश सुदक्षिणा नाम ना पत्नी अधुर सर्व दक्षिणा कले बापा राणी के से ना राणी को नाम होची बापा माने सुदक्षिणा सुदक्षिणा कले ए दक्षिण कटक राजा को परास्त करी हाँ। ये राजा दिलीप सुदक्षिणा को पत्नी रूपर ग्रहण करथिले तेणु आज्ञा राजा हेले दिलीप राणी हेले बापा माने सुदक्षिणा जदि बापा राजा एत बलशाली एत सुंदर हाँ। राणी भी देखा पाई के मितिका सुंदरी थिले ना देखिवा देखिवा गोटा पद पु देखा हाँ हाँ। रागटा आसो कौन ना राग आसो बसंत मल्लार हाँ हाँ। ये राणी सुदक्षिणा देखा पाई पु को भलिया को भली गोटा पद देखा हाँ। गिनीटा मत दिए हाँ से बेले बापा गायक गायिका मान आज्ञा हाँ बसंत मल्लार गाते समय आज्ञा बसंत समय बोली जानुला मेघ मल्लार गाला आज बर्षा भी तेणु आम तो किसी नुह निमित मात्र तथा चेष्टा कर बसंत मल्लार गोटाए पद गाइब ये राणी सुदक्षिणा देखा सुंदर गोटाए पद देखा अरे
नाही तिनी भोरा रे अरे उपमाते बाबू नाही तिनी भोरा रे अरे उपमाते ताको नाही तिनी ये जोड़ो